साहिबगंज भू माफियाओं ने पाकिस्तानी नागरिक का जमीन फर्जी तरीके से बेचा, जांच में जुटी प्रशासन। आपको बताते चले कि देश में अभी घुसपैठियों के भारत में बसने और इनके अनैतिक कार्यों के प्रति लगातार भाजपा के द्वारा आवाज बुलंद किया जा रहा है। अब एक साहिबगंज जिले में ऐसा मामला आया है जिसे सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कैसे पूरा प्रदेश भू माफियाओं के चुंगल में फंसा हुआ है। साहिबगंज जिले में भू माफिया कितने सक्रिय हैं, इसको इस बात से समझे। जानकारी के मुताबिक नगर थाना क्षेत्र के एलसी रोड के सैकड़ों लोगों ने एक सार्वजनिक आवेदन बनाकर जिले के उपायुक्त हेमंत सती को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि एलसी रोड में स्थित एक लावारिस जायदाद को भू माफियाओं द्वारा बेचकर 1,20,00,000 रुपये पाकिस्तान पहुंचाया गया है। दिए गए आवेदन में बताया गया है कि एलसी रोड में जो लावारिस मकान है, जो मौजा कजरौटिया दाग नंबर 237, जो कि स्वर्गीय मुसरत तहसीन जहां उर्फ रिजवान पति स्वर्गीय इंसान सारी के नाम से है। आपको ज्ञात हो कि तहसीन जहां की मृत्यु 29/1/2021 को हो गई है। उसके पति मुसरत तहसीन की मृत्यु उसके पत्नी से पहले हो चुका है और मुसरत तहसीन के पूर्वज पाकिस्तान में रहते हैं और यह लावारिस संपत्ति इन्हीं के नाम से है और इनका कोई वारिस नहीं है। मृत्यु के 2 दिन बाद भू माफिया शहजाद जफर और आरिफ जफर दोनों के पिता स्वर्गीय मोहम्मद जफर दुसाद पाड़ा के द्वारा उनके मृत्यु में आए हुए उसके रिश्तेदारों से कहा कि मैं यह मकान खरीद लिया हूं, तुम लोग मकान खाली करो। उन लोगों से मारपीट कर घर खाली करवा दिया गया। मोहल्ले के कुछ लोगों ने विरोध किया तो फर्जी हस्ताक्षर वाला कागजात दिखाया और दोनों ने अपने मोबाइल से पाकिस्तान वीडियो कॉल कर दिखाया और कहा कि जिससे बात हो रही है वह मुसरत तहसीन का भाई है। वीडियो कॉल कर जिससे बात हो रहा था वह कह रहा था कि मैं मुसरत तहसीन का भाई हूँ और मेरे पास 1,20,00,000 पहुंचाया गया है। वहीं आवेदन में जिक्र किया गया है कि जब संपत्ति मुसरत तहसीन के नाम से दर्ज है तो उसके भाई को पैसा क्यों भेजा गया, और अगर भेजा भी गया तो इतनी बड़ी धनराशि पाकिस्तान पहुंचा कैसे। भू माफियाओं के द्वारा बताया गया कि पैसा अपने एक दोस्त के माध्यम से दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा है। साथ ही दिए आवेदन में इनके बैंक अकाउंट और ब्लैक मनी हवाला के जरिए पैसा तो नहीं भेजा गया, यह भी जिक्र किया गया है। आपको ज्ञात हो कि भारतीय अधिनियम 2017-18 के तहत भारत पाकिस्तान के बंटवारा के बाद छोड़े गए संपत्ति की खरीद बिक्री नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी साहिबगंज में पाकिस्तानी नागरिक की जमीन खरीदी बेची गई। जिला प्रशासन से एलसी रोड की जनता ने उक्त लवारिस संपत्ति की जमीन खरीद बिक्री का जांच, मालिक का हस्ताक्षर का जांच, कागजात का उच्च जांच कर सरकार उक्त जमीन को अपने अधिकार में लेकर समाज हित में अल्पसंख्यक धर्मशाला विवाह भवन बनाए, जिससे समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिले। मौके पर मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद चुन्नू अली, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद अली, मोहम्मद नाजीर, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद अख्तर और मोहम्मद सब्बीर और मोहम्मद कासिम शामिल थे। वहीं इस संबंध में उपायुक्त हेमंत सती ने बताया कि एलसी रोड स्थित एक पुराना भवन है जो किसी विदेशी नागरिक का है, वो लोग छोड़कर चले गए हैं। उस संपत्ति को कुछ लोग कब्जा करना चाह रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई करने को लेकर नोडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है। कहा गया है कि प्रक्रिया न्यायालय से शुरू करवा दिया जाए। मैं रहने वाला एलसी रोड का हूँ और मैं रिजवाना परवीन जो है उसको मैं बहुत नजदीक से जानता हूँ और उसके पिता को भी जानता हूँ और उनके उसके पति को भी जानता हूँ जिसका ईसा अंसारी नाम है। और ये जो है गलत तरीके से लोगों को समाज को गुमराह करके, मरने के बाद समाज को गुमराह करके ये चाहते हैं कि उस मकान को हम हड़प लें और हड़प करके जबरदस्ती कब्जा किए हुआ है और उसको बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। मैं इतना जानता हूँ कि बेचने की तैयारी में लगा हुआ है। उनके अन्य वारिस लोग कहाँ रहते हैं? उनके वारिस सब पाकिस्तान में रहते हैं और हम यही चाहते हैं उपायुक्त महोदय। अच्छा, उनके जो वारिस हैं तो उनसे आप लोगों को संपर्क है किसी भी? उन लोगों के वारिस से तो हमसे संपर्क नहीं है, मगर ये मालूम है कि वो बाहर रहते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। तो उपायुक्त महोदय से मिलने आए? उपायुक्त महोदय से इसलिए मिलने के आए हैं कि उसकी जांच की जाए, जो गलत दावा करके
चाहते हैं कि हम ले लें और इसको बेच दें। इसलिए उपायुक्त से मेरा यही कहना है सर से कि वो जमीन को उसको अपने इसमें कर करके और संस्था को ऐसा संस्था बना दिया जाए जो कि पूरे समाज के लिए मुनासिब हो। कौन रहने वाले हैं और ये मुशर्रत तहसील यहाँ जो है जिनका की मृत्यु भागलपुर में हुआ था, यहाँ लाके हम लोग दफन कफन किए और उसी दिन से जो है ना एक आदमी कह रहा कि हमने मकान ले लिया और वो मकान का हमको कागज भी आज तक नहीं दिखाया। 100 आदमी के बीच में हमने कहा कि भाई कागज दीजिए, मगर उन्होंने कागज हमको नहीं दिया और उनका यहाँ कोई रहने वाला उनका रिश्तेदार कोई नहीं है यहाँ। बस जो भी है पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, उनका भी हम नंबर दिए हुए हैं, उनको भी बुलाया जाएगा और उसके बाद जो है ये लोग माफिया लोग जो है उसको जबरदस्ती बेच रहे हैं, जिसको हमने सरकार को दिखाया कि भाई इस मकान को रोका जाए और हम लोग को LC रोड में एक भी ना धर्मशाला है ना मुसाफिर खाना है ना ब्याह भवन है, अगर इसको रोक करके ब्याह भवन बना दिया जाए तो बहुत बड़ा हम लोग शुक्रगुजार इनके होंगे। तो बिक्री की बात आ रही थी, कितने में बेचने की बात सामने आई? बिक्री में तो बात यही आई है कि दो आदमी लिया है 40-40 लाख में और अब वो घेर भी रहा है। कल तो थाना भी गए थे लोग और थाना में जाकर के थाना वाले कहीं भी उनको कि भैया ये काम रोक दो, मगर फिर आज देख रहे हैं काम हो रहा है और हम लोग यही चाहते हैं काम रोक करके उनके कागजात को देखा जाए, उनके कागजात को जांच किया जाए, अगर उनका सही है तो उनको दिया जाए, अगर सही है तो उनको दिया जाए, नहीं तो सरकार अपने हाथ में ले। क्या पाकिस्तानी जमीन को लेकर सर सर क्या आज एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि एक कोई पुराना भवन है जो पुराना भवन किसी विदेशी नागरिक का है और विदेशी नागरिक के भवन पर चूंकि वो लोग छोड़ करके चले गए हैं और कुछ जो लोग हैं वो लोग उस पर कब्जा करना चाह रहे हैं, तो उसी के कंटेक्स्ट में आवेदन अभी प्राप्त हुआ है, उसमें यथोचित कार्रवाई करने का आदेश अनुमंडल पदाधिकारी को दिया गया और उनको कहा गया कि प्रक्रिया न्यायालय में इसकी स्टार्ट करें। थैंक यू।